इंदौर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम शिवराज ने 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया, जिसमें 14 करोड़ 80 लाख की लागत से सरवटे में बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 80 करोड़ की लागत से बनने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन भी किया गया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह सौगात दी इंदौरवासियों को। यहां पर करोड़ों की सौगात इंदौरवासियों को आज दी गई। 3000 साइकिल को किराए पर देने की योजना का शुभारंभ भी किया गया। इंदौर को हर क्षेत्र में नंबर वन बनाएंगे और मैं दिल से अंतरात्मा से कह रहा हूं, इंदौर में ही वह क्षमता है जो हर क्षेत्र में नंबर वन बन सकता है। अपना शहर इंदौर, मेरे सपनों का शहर इंदौर, और आपके साथ मिलके इंदौरवासियों के साथ हम इंदौर को बाकी बचे क्षेत्रों में भी नंबर वन बना पाए, उसमें मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता मैं भी इंदौरी हूं, इंदौरियन। ये कहते हुए गर्व होता है, इंदौर एक श्रेष्ठ और आदर्श उदाहरण है। जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जनता तीनों के साथ मिलकर काम करने का, आजकल मैं ये कहता हूं इंदौर मॉडल लागू करो, इंदौर की तरह काम करो। शायद आजकल ये हो गया कि मैं कहीं भी भाषण देने जाता हूं, इंदौर के नाम के बिना मेरा भाषण पूरा नहीं होता। मैं प्रदेश में बोलूं या प्रदेश के बाहर बोलूं, इंदौर आ ही जाता है, क्योंकि इंदौर ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो मेरे मन को गर्व से और आनंद से भर देता है।